असलकम वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपके साथ किचन के कमाल टोटके शेयर करने जा रही हूं उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही फ़ायदा होगा और ये आपके बहुत ही काम आएगी अगर आलू जल्दी उबालने हों तो पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दें इससे आलू जल्दी उबल जाएंगे अगर चावलों को महफूज करने से पहले इसमें थोड़ा सा नमक मिला दें तो इससे चावलों को कीड़ा नहीं लगेगा अक्सर चाय की प्यालियों में अंदर की जाने ब्राउन कलर के दाग लग जाते हैं जो बार बार धोने पर भी साफ़ नहीं होते इनको साफ़ करने के लिए सादे पानी में लीमू, लीमू का रस या फिर सिरका मिलाकर प्यालियों को थोड़ी देर के लिए इसमें भिगो के रख दें बाद में इन्हें स्पंज की मदद से रगड़कर साफ कर लें ब्राउन कलर के दाग ख़त्म हो जाएंगे सूप को आखिर तक गाढ़ा रखने के लिए इसमें कॉर्नफ्लावर डालने के बाद प्लास्टिक या लकड़ी का चमच इस्तेमाल करना चाहिए इससे सूप तो ख़त्म हो जाता है लेकिन उसका गाढ़ापन ख़त्म नहीं होता अब मैं आपके साथ निहारी मसाला बनाने की टिप शेयर कर रही हूँ खुश्क अदरक यानी कि सौंठ सौंफ बड़ी इलायची का फूल कश्मीरी लाल मिर्चें साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा को एक ही मकदार में लेकर बारीक पीस लें साफ़ खुश्क एयर टाइट बोतल या फिर डिब्बे में बंद करके रख निहारी बनाने के लिए यानी अगर आपको निहारी बनानी है और एक किलो निहारी का गोश्त हो और एक किलो ही हड्डियाँ और नलियाँ हों तो इसमें निहारी मसाले के तीन बड़े चम्मच शामिल करेंगे इससे निहारी बहुत ही मज़े की बनेगी अब खमीर की बात कर लेते हैं जो कि नान बनाने में इस्तेमाल होता है खमीर यानी ईस्ट को चेक करने का तरीका एक खाने का चम्मच खमीर एक चाय का चम्मच चीनी और आधी प्याली पानी को मिक्स करके ढांप कर किसी जगह पर रख दें दस मिनट बाद चेक करें अगर बुलबुलें बनना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब है कि खमीर सही हालत में है बसूरत दीगर नया खमीर लेकर तरीक़ेकार को दोहराएं। अगर सालन में मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो इसके लिए कई टोटके हैं लेकिन एक बहुत ही मशहूर टोटका आपसे शेयर कर रही हूं थोड़ी सी दही फेंट कर सालन में डाल देंगे और दही का पानी खुश्क कर लेंगे मिर्चें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी अब हम माइक्रोवेव की सफाई के बारे में बात कर लेते हैं माइक्रोवेव की जल्दी सफ़ाई करने का तरीका ये है कि एक बड़े बर्तन में पानी लेकर इसमें एक बड़ा लीम निचोड़ लें और साथ ही उसके छिलके भी शामिल कर लें फिर इस बर्तन को माइक्रोवेव में रख दें और पाँच मिनट का टाइम लगा दें टाइम पूरा होने पर पंद्रह मिनट तक माइक्रोवेव ना खोलें पानी की भाप से चिकनाहट और दाग उबर आएंगे, जिन्हें बाद में किसी कपड़े से साफ़ कर लें अब नॉनस्टिक के बर्तनों की कोटिंग के बारे में नॉनस्टिक के बर्तनों की कोटिंग ज़्यादा अरसे तक बरकरार रखने के लिए इनमें खटाई वाले खाने ना पकाएं। इस तरह इन बर्तनों की कोटिंग जल्दी उतर जाती है खटाई वाले खानों में जैसे कि चटनियाँ वगैरह इन बर्तनों में नहीं बनानी चाहिए सोने के जेवरात रोज़ाना इस्तेमाल के बाद फीके पड़ जाते हैं इन जेवरात को साफ़ करने के लिए एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच डिटर्जेंट को एक प्याली में घोल लें डिटर्जेंट मतलब के सर्फ को फिर इसमें जेवरात को 10 से 15 मिनट भी घो दें इसके बाद दांत साफ करने वाले ब्रश से आहिस्ता आहिस्ता रगड़ लें और बाद में पानी से धो लें जेवरात चमक उठेंगे अंडे उबालने के बाद जिस पानी में अंडे उबाले जाएं उस पानी को ना फेंकें बल्कि घर में रखे हुए गमलों में डाल दें इससे हैरतंगेज़ तौर पर पौधों की नशोनमुमा में इजाफ़ा होगा मज़ीद टिप्स और रेमेडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें शुक्रिया